पहले रुकमाई चैनल आ जाता है बॉलीवुड कॉर्नर। तो भाई लोग अक्षय कुमार की और एक फिल्म के अनाउंसमेंट हो चुकी थी। फिल्म का नाम तो ऑब्वियसली सबको पता है, मराठी फिल्म है बहुत बड़े लेवल के महेश मांजरेकर के, जिसके अंदर अक्षय कुमार एज छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल करेंगे। यस, महाराज का रोल। सबको पता है कि अक्षय कुमार ने सम्राट पृथ्वीराज में कैसा रोल किया था। तो अक्षय कुमार ना ये हिस्ट्री के साथ जो गेम कर रहे हैं ना, आई थिंक दैट इज नॉट गुड टू हिज करियर। सबको पता है कि लोग चाहते हैं कि अक्षय कुमार हेरा फेरी थ्री टाइप फिल्म करे, लाइक कॉमेडी फन टाइप जोन में जाए अक्षय कुमार, लेकिन अक्षय कुमार नहीं सुन रहे, वो फिर से वही जा रहे। एंड मतलब मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि आप फोटोज देख लो एक बार, मतलब वो फोटो मत देखो कि अक्षय अनाउंसमेंट के दिन स्टेज के ऊपर अक्षय कुमार की जो फोटो दी थी ना, वो नहीं, वो तो शायद एडिट की थी, लेकिन अभी रिसेंटली अक्षय कुमार की फोटो आई थी सिंहासन पर बैठे हुए, देख लो भाई दाढ़ी कितनी नकली है, मतलब दाढ़ी अक्षय कुमार ने चिपका के लगाई गई है। बाकी आप अगर अक्षय कुमार का वॉकिंग वाला अगर आप देखोगे वीडियो, तो उसके अंदर वो महाराज की फील आ नहीं रही। हम महाराज के कैरेक्टर को कैसे देखते, लाइक एक योद्धा एक सूरवीर कैरेक्टर होगा महाराज का, उनके आसपास वो ऑरा फील होगा हमें कि ये एक ऐसा इंसान है जिसे कभी डर नहीं लगेगा किसी भी चीज से, किसी भी जगह से। वो पूरे कॉन्फिडेंट में वो बैठेगा, उठेगा, चलेगा, स्माइल रखेगा, पूरा शांत होगा, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं होगा कि जब इसके हाथ में तलवार आएगी तब वो हर एक को, मतलब ऐसा होगा कि सबको झुका देगा। महाराज का वो ओरा था, लेकिन अक्षय कुमार को देखकर फील आ नहीं रहा है। अक्षय कुमार को देखकर मतलब ऐसा हो नहीं रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल अक्षय कुमार को मतलब कैसा होगा। अभी छोटे से क्लिम्स तो कुछ साबित होगा नहीं, लेकिन फिर भी आई होप सो कि अक्षय कुमार इसमें अपना बेस्ट दे। एंड इसके ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, ये टाइगर के साथ क्लैश हो रही है, यही एक बड़ा पंगा है। लेकिन आप देख लो महाराष्ट्र में अगर अक्षय कुमार ने इस फिल्म के अंदर गलती की तो खत्म है भाई, खत्म है। बाकी नो हेट फॉर अक्षय, बाकी मैं बोलता हूँ बाय बाय, जय हिंद।